मैं पिक्चर एडिट करूंगा अपने पेज एक था कि पोस्ट के लिए, तो मैं फोटो एडिटर की ऐप यूज़ करूंगा उसको एडिट करने के लिए। लेकिन सबसे पहले मुझे पिक जो है बैकग्राउंड के लिए, जो कि हमारे पेज का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो सर्च करनी है। तो उसको सर्च करने के लिए मैं पिंटरेस्ट को यूज़ करूंगा। पिंटरेस्ट पे जो मेरे जो पोस्ट की थीम है उसके लिहाज से मैंने जो है वो सर्च करना है, तो ये मैंने ऑलरेडी सर्च किया, तो इस पर मैं जा रहा हूँ। पिंटरेस्ट इसलिए क्योंकि यहाँ पर ऑप्शंस इतने वाइड होते हैं कि यहाँ पर आपको अपनी पसंद की चीज़ मिल ही जाती है ज़रूर। तो मैं अपने पिक्चर के लिहाज से यहाँ पे ढूंढूंगा। वैसे मैंने करके रखी है, मैं दिखाने के लिए कर रहा हूँ सिर्फ। तो मुझे ये पिक्चर ठीक लग रही है, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। इसके बाद मैं इस पे इंस्टा का जो स्केयर वाला इफेक्ट होता है वो देने के लिए स्केयर पिक को यूज़ करता हूँ। जो ब्लर बैकग्राउंड होता है, ब्लर होता है या वाइट बैकग्राउंड होता है उसके लिए। तो मेरे पेज का क्रॉप का भी एक स्पेसिफिक है, 5:7 का मेरी रेशो होती है हर पेज की। तो बैकग्राउंड इसका मैं वाइट कर देता हूँ और इफेक्ट ये लगाएगा सेव। आ जाता है टेक्स्ट ऑन पिक का काम। तो ये फोटो एडिटर की ऐप है, मैं दोबारा से इसका आइकन दिखा देता हूँ आपको। ये इसका आइकन है, फोटो एडिटर के नाम से आप सर्च करेंगे। सॉरी ये थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। तो हाइट और वेट, क्योंकि हम स्केयर में बना रहे हैं तो इसकी हाइट और वेट में सेम रखूंगा इन पिक्सल्स। 6000 पिक्सल्स मैक्सिमम स्केयर की जो है वो हाइट और वेट ये अलाउ करता है, तो मैं ये लिख रहा हूँ। यहाँ पर जो पिक्सल्स इन इंचेस है मैं मैक्सिमम कर दूंगा। बाकी चीज को छेड़ने की जरूरत नहीं है फिलहाल के लिए। अभी स्क्वायर आ गया। तो नीचे बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, लेकिन हमें जाना है टेक्स्ट और इमेज वाले ऑप्शन पे। इस पर आ गया प्लस पे। तो यहाँ पर इमोजी का ऑप्शन है, शेप्स का है, पिक्चर का है और टेक्स्ट का है। तो सबसे पहले मैं पिक्चर ऐड करूँगा यहाँ से बिल्ट इन इमेज में। इसको मैं बैक कर देता हूँ गैलरी में। ये मेरे रिसेंट में आ रही है, अप्लाई। फिर ये 3 लाइंस वाले ऑप्शन पे, ये ऑलरेडी लॉक रेशो हुआ हुआ है, तो मैं मूव इन साइज पे जाऊंगा। फिर ये लास्ट ऑप्शन, इसको मैं लेवल कर दूंगा जो मैंने पहले रखा था 6000 का, अप्लाई। तो ये कंप्लीट फ्रेम पे आ गया, देन टिक कर दूंगा। अभी पिक्चर अपलोड हो गई है। दोबारा टेक्स्ट एंड इमेज पे जाऊंगा, यहाँ से फिर प्लस। अब मैं शेप में आ रहा हूँ, डिफरेंट शेप्स हैं। ये व्हाइट है, इसको मैं व्हाइट ही रहने देता हूँ जैसे आपने देखा है मेरे पेज पर। अप्लाई, इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, देन अगेन प्लस। अब टेक्स्ट, तो टेक्स्ट में अब मैं ये वाली ऐप यूज क्यों करता हूँ। अगर आप में से किसी ने एडोब यूज किया है तो वो जानते होंगे कि उसके अंदर हम एडिशनल जो फॉन्ट्स होते हैं उनको ऐड कर सकते हैं।
तो ये ऐप वो ऑप्शन हमें देती है, तो मैं इसको इसलिए यूज़ करता हूँ। मैं प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा, ये टेक्स्ट है, ये उनके सिस्टम की टेक्स्ट है। मैं चाहूँ तो इनमें से भी कोई यूज़ कर सकता हूँ, जैसे ये है, ये अच्छा टेक्स्ट है, लेकिन मैंने ऑलरेडी कस्टम में टेक्स्ट रखे हुए हैं, फॉन्ट्स रखे हुए हैं, सॉरी। ये फॉन्ट्स आपको गूगल पे बहुत आराम से मिल जाएंगे, आप गूगल पे फॉन्ट के किसी नाम से भी कर सकते हैं सर्च, या आप वैसे फॉन्ट पैक के नाम से अगर सर्च करें गूगल पे तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे। तो मैं अभी के लिए अपना देख रहा हूँ कि मैं कौन सा टेक्स्ट यूज़ करूँ, तो मैं यूज़ करूँगा ये वाला फॉन्ट। ओके, मैं वापस टेक्स्ट पे आ रहा हूँ। अब यहाँ पर आप लिख लेंगे जो भी आपका टेक्स्ट होगा। ये स्टार पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ आ रहा है, ये हिस्ट्री में मेंशन है, तो मैंने ये पहले से लिखा है। इस ऐप का ये भी फायदा है कि अगर आपने ये एक दफ़ा लिखा था और सेव करने से पहले आपका बैक हो गया है ऐप जो है या ब्रोक हो गई है, तो वापस आप आके हिस्ट्री में से इसको वापस टेक्स्ट निकाल सकते हैं जो कि आपने पहले से लिखा था। ओके, कलर जो है वो आपने देखा है मेरे पेज पे ऑलरेडी, मैं कलर ये यूज़ करता हूँ, ये मेरे फेवरेट में ऐड होता है, तो आप अपनी मर्जी से इसका कलर चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ से कोई भी कलर आप चूज़ कर सकते हैं, मैं यही रखूँगा। ये आउटलाइन है, इसकी कैपेसिटी मैं बढ़ा देता हूँ और ये मैं ब्लैक ही रखूँगा, और ये टू लाइंस पे आप क्लिक करेंगे तो ये आउटलाइन बॉटम और टॉप दोनों के लिए आ जाएगी। जो थर्ड ऑप्शन है वो बैकग्राउंड का है, वो मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ लेकिन आप यूज़ कर सकते हैं। मैं इसलिए यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी शेप उसमें जाके वाइट वाला जो बैकग्राउंड है वहाँ पर लगा दिया। अगेन प्रॉपर्टीज में आऊँगा, ये आउटलाइन में यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ, मैं इसकी बिल्कुल मिनिमम रखूँगा आउटलाइन। ओके, यहाँ से राइट लेफ्ट सेंटर ये भी आप चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट का जो है अगर आपने फॉन्ट को चेंज करना है तो यहाँ से डायरेक्ट भी चेंज कर सकते हैं, ये ऊपर चेंज होके आपको दिखेंगे। लेटर स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग, ये जो ऑप्शन हैं ये आप जब यूज़ करना शुरू कर देंगे इस ऐप को तो आपको समझ आती रहेगी। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि लेटर स्पेसिंग में ये होता है कि जो वर्ड्स हैं ये उनको आपस में जो उनके स्पेस है उनको छोटा या बड़ा करता है, ठीक है। और जो लाइन स्पेसिंग है वो जो आपकी लाइंस बनेगी कि आपने मेरे पास चार लाइंस हैं, तीन हैं सॉरी, ये इनके स्पेस का है, ये मैं आपको फिर से भी दिखा दूंगा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अब मुझे इसकी लाइन जो है वो कम करनी है तो मैं ये लाइन स्पेसिंग कम कर देता हूँ। ये देखिए थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। ओके, उसके बाद आपने अगर टेक्स्ट को छोटा बड़ा करना है तो मेरी सजेशन ये है कि आप यूँ ड्रैग ना करें, आप ये तीन वाली लाइंस पे आए, ऑप्शंस का आइकन है ये, उसके बाद लॉक रेशो करते हैं। जब आप ये करेंगे इससे ये होगा कि ये टेक्स्ट जो है वो एक ही एडजस्टमेंट के साथ मूव होगा। ये मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ, इसको अगर यू एडजस्ट ना हो पा रहा हो तो ये मूव इन साइज में भी आपके पास ऑप्शन है। ओके, तो ये एडजस्ट हो चुका है। इसके बाद फिर मैं स्टार में आता हूँ क्योंकि अब मुझे अपने पेज का नाम जो है वो मेंशन करना, तो यहाँ पर मैं पहले नाम लिख लेता हूँ। ओके,
उसके बाद मैं फिर से फॉन्ट चेंज कर रहा हूँ। नॉर्मली जो मैं फॉन्ट यूज़ करता हूँ टेक्स्ट के लिए वो ये फॉन्ट होता है। इसके लिए मुझे फिर थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर जो आउटलाइन है वो यूज़ होती है ज़्यादा। अगर इसका कलर मैं वाइट कर देता हूँ गेन लॉक रेशो, इसका साइज मैं छोटा कर लूंगा, इसको एडजस्ट कर दूंगा। ओके लुक्स गुड टिक। ओके अब ये डाउनलोड का ऊपर ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये ऑप्शंस डिफरेंट आ गए हैं मेरे पास, सेव एज, वॉलपेपर। ये मैं करूंगा क्लिक गैलरी पर, अभी गैलरी में सेव हो चुका है। इसको मैं बैक कर देता हूँ, मैं इंस्टाग्राम पर आऊंगा। इंस्टाग्राम पर लोकेशन, ये मेरा फेसबुक के साथ लिंक है तो मैं यहीं से फेसबुक पर भी पोस्ट करता हूँ। इंटरनेट कनेक्शन आज स्लो है। ओके तो ये टिक कर दिया मैंने, यहाँ पर चेक कर दिया इस ऑप्शन को, तो ये फेसबुक पर भी साथ ही पोस्ट होगी शेयर। ओके तो ये मेरी पोस्ट। इसके अलावा उर्दू पोस्ट है, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। अगर उर्दू का आपने देखना हो कि उर्दू की एडिटिंग में कैसे करता हूँ, तो उसके लिए भी मैं फॉन्ट्स के लिए आपको बता दूंगा कि फॉन्ट्स आपको कैसे मिलेंगे और आप ऐड कैसे कर सकते हैं। ऐड करना भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिर्फ कस्टम में जाएंगे जहाँ पर आपने अपने फॉन्ट्स रखे हुए हैं। मैं एक दफ़ा आपको बोल के वहाँ पर से जाकर दिखा देता हूँ। ये टेक्स्ट एंड इमेज प्लस का ऑप्शन, ये टेक्स्ट प्रॉपर्टीज, ये फॉन्ट के ऊपर क्लिक किया। ये सिस्टम में आप होंगे, आप यहाँ कस्टम में आएंगे और आपके पास ये आपका सारे ऑप्शंस होंगे। मैं जो मेरे फॉन्ट्स हैं वो यहाँ हैं डाउनलोड्स में, ये फॉन्ट्स के नाम से फोल्डर है, ये मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और ये मेरे फॉन्ट्स। तो इस तरह से सिंपली आप ऐड कर सकते हैं। ये मेरे इंग्लिश के फॉन्ट्स हैं, उर्दू के मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। तो अब तब तक के लिए ओके अल्लाह हाफिज़।